हेलो एंड वेलकम टू चेतनास करी किचन। आज हम बनाएंगे चिली पनीर। ये बहुत ही फेमस चाइनीज डिश है और इसको बनाना भी बहुत सिंपल है। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। चिली पनीर बनाने के लिए हमें चाहिए 2 मीडियम साइज शिमला मिर्च, 1 चम्मच गार्लिक जिसको हमने बारीक बारीक काट लिया, 2 मीडियम साइज प्याज, 1 टेबलस्पून ग्रीन चिली सॉस, 1 टेबलस्पून विनेगर, 1 टेबलस्पून सोया सॉस, 1 टेबलस्पून रेड चिली सॉस, साथ ही हमने लिए शेजवान सॉस। यहाँ हमने लिया है लगभग 400 ग्राम पनीर जिसको हमने मोटे मोटे पीसेस में काट लिया। पनीर की कोटिंग के लिए हमें चाहिए 1 कप मैदा और 1/2 कप कॉर्नफ्लोर। इस पे हमने मिलाया 1 चम्मच काली मिर्च और नमक। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के एक थिक बैटर रेडी करेंगे। इस बैटर को अच्छे से मिक्स कीजिए और कोशिश कीजिए कि इसमें लम्स बिल्कुल ना आए। बैटर की कंसिस्टेंसी बिल्कुल ऐसी होनी चाहिए। कोटिंग करने से पहले एक इम्पोर्टेंट स्टेप, पनीर को 1 मिनट के लिए माइक्रोवेव कर लीजिए जिससे कि इसका एक्सेस वाटर निकल जाए। पनीर को हमने बैटर में मिक्स करके थोड़ी देर के लिए रख दिया था, अब हम उसे फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे हमने एक एक पीस करके फ्राई करने के लिए डालना है हमें। यहाँ पे एक बात का हमें ध्यान देना है कि फ्लेम को हमें मीडियम रखना है। इस पनीर को अच्छे से डीप फ्राई कीजिए और कोशिश कीजिए कि ये साथ में जुड़े ना, इसको साथ साथ ही अलग करते जाइए। ये देखिए पनीर का पहला बैच फ्राई होके लगभग तैयार हो गया है। अब हम इस पनीर को निकाल लेते हैं और इसी तरीके से हम बाकी पनीर को भी फ्राई कर लेते हैं। सारे पनीर को हमने फ्राई करके रेडी कर लिए। ये देखिए कितने क्रिस्प नजर आ रहा है। पनीर अब रेडी हो चुका है। चलिए अब सॉस की तैयारी करते हैं। सॉस के लिए हमने लिया है 3 बड़े चम्मच शेजवान सॉस। इसमें डालिए 1 चम्मच ग्रीन चिली सॉस, 1 चम्मच रेड चिली सॉस, 2 चम्मच सोया सॉस, 2 चम्मच विनेगर। इन सबको अच्छे से मिक्स कर दीजिए। पैन में 1 बड़ा चम्मच ऑयल गरम कर लीजिए। गरम ऑयल में क्रश किए हुए गार्लिक पीसेस डालिए और इसको थोड़ा भूनिए। जैसे ही लहसुन अपना कच्चापन छोड़ दे, इसमें डालिए मोटे कटे हुए प्याज। इस प्याज को 1 मिनट तक अच्छे से सॉट कीजिए। ये देखिए प्याज अब पिंक कलर के हो गए। अब इसमें डालिए कटी हुई शिमला मिर्च। शिमला मिर्च की क्रंचीनेस को बनाए रखने के लिए हमें सिर्फ इसको 30 सेकंड तक ही भूनना है। इस स्टेज पे हम डालेंगे अपनी तैयार की हुई सॉसेस। हाई फ्लेम पे अब इसको अच्छे से मिक्स कीजिए। ग्रेवी को थिक करने के लिए यहाँ पे हमने लिया है 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर। इस पे हम थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इस कॉर्नफ्लोर को हम पैन में डाल लेंगे, साथ ही में हम डालेंगे 1/2 ग्लास पानी और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 2-3 मिनट तक इसको हमें अच्छे से पकाना है। ग्रेवी एकदम रेडी है। अब हम इसमें डालेंगे अपना फ्राई करा हुआ पनीर।
पनीर और ग्रेवी को अच्छे से मिक्स कीजिए और लगभग इसको 2 से 3 मिनट तक पकाइए ताकि पनीर में ग्रेवी का फ्लेवर अच्छे से आ जाए। अब हमारा ये चिली पनीर बिल्कुल रेडी है, तो आइए चलिए अब हम इसको सर्व करते हैं। ये घर पे बना हुआ चिली पनीर बहुत ही सॉफ्ट और डिलीशियस है। इसको आप इवनिंग स्नैक्स की तरह ट्राई कीजिए, बच्चों को बहुत ही पसंद आता है। तो आप ये मेरी रेसिपी ट्राई कीजिए और आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। Take care and bye-bye.